नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं रॉयल इसी के चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों फिर से एक बार आ चुका हूँ गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके, ताकि आपको मिल पाए टेक दुनिया के बारे में सारी की सारी जानकारी सबसे पहले। और आज का टेक न्यूज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज जो है मैं आपको आज देने वाला हूं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल को रन करते हैं या फिर सोच रहे हैं यूट्यूब चैनल को शुरू करने की, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ में आपको मिलेगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो देखते रहिए आज का डेली टेक्टर का। तो चलिए दोस्तों इसी बात पर शुरू करते हैं आज का डेली टेक्टर का और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों शुरुआत करेंगे आईक्यू से। जी हाँ, वीवो का सब ब्रांड जो चाइना में गेमिंग फोन बनाने में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि फिलहाल इंडिया में भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि Z1 जो कुछ दिन पहले ही आईक्यू ने लॉन्च किया था चाइना में, और शायद बहुत जल्द वो इंडिया में भी आने वाला है, लेकिन उसी का एक सब्सिडाइज वर्जन आईक्यू Z1X भी बहुत जल्द आने वाला है मार्केट में, एटलीस्ट इन चाइना। जी हाँ, यहाँ पे चाइनीज एक लीकस्टर ने वीवो पे एक न्यूज शेयर किया है कि यहाँ पे Z1X नाम का कोई फोन जो है आईक्यू का बहुत जल्द आने वाला है स्नैपड्रैगन के 765G के प्रोसेसर से। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि Z1 का जो वेनिला वर्जन था उसमें आपको मिला था डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर। तो यहाँ पे देखने लायक यही है कि मीडियाटेक को डंप करके फिर से क्यों स्नैपड्रैगन के पीछे भाग रहा है आईक्यू। जो भी होगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा फ्यूचर के एपिसोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अगर आप YouTube के क्रिएटर है तो ये न्यूज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 700 अकाउंट जो पिछले कुछ महीने में हैक किया गया था वो डार्क वेब पे भी बिक रहा है धड़ाधड़। यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी एंटायर दिया गया है और यहाँ पे बिडिंग होगा $400 से शुरू करके $1000 तक यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो रखा गया है। और अगर सब्सक्राइबर बेस की माने तो 10 सब्सक्राइबर से 40,000 सब्सक्राइबर्स बेस वाले चैनल भी हैक यहाँ पे किया जा चुका है और उसको नीलाम किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे 24 आवर्स जो है टाइम फ्रेम दिया गया है, जो भी बंदे यहाँ पे हाइएस्ट बिड्स रखेंगे उसको वो चैनल जो है वो सौंप दिया जाएगा। चैनल के आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी सब कुछ हैकर्स के पास है। इसको देखकर तो ये लग रहा है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को छोड़ के कोई भी अकाउंट कभी रखना जो है वो खतरे से खाली नहीं। और हाँ, चेतावनी और एक देना चाहूंगा कि अगर आपका चैनल छोटा है या फिर बड़ा है, जो भी हो, अगर आपको कोई ऐसा मेल आता है कि आपको छोटा सा सॉफ्टवेयर का रिव्यू करना है और आपको 100, 200, 2000, 3000 जो भी डॉलर जो है वो पैसे देने की बात की जा रही है, तो भूल कर भी उसको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके फोन में इंस्टॉल करेगा, जो आपका यूट्यूब का आईडी पासवर्ड को चुरा के हैकर्स के पास भेज देगा और आपका अकाउंट जो है पल के झपकते ही वो उसके कंट्रोल में चला जाएगा। तो सावधान रहिए, क्विक मनी के पीछे मत भागिए, कंटिन्यूअस एफर्ट दीजिए और आपका चैनल जो है जरूर ग्रो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों आज कुछ ही घंटे पहले ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना रेनो 4 सीरीज चाइना में। जी हाँ, यहाँ पे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी साथ ही साथ एंटायर स्पेसिफिकेशन जो है वो बाहर आ चुकी है। यहाँ पे 4 कलर्स में हम लोगों को रेनो 4 सीरीज जो है वो दिखने वाली है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रेनो 4 सीरीज जो है 2 वेरियंट में दिखेगा, 8GB 128GB का प्राइस जो है अप्रोक्सिमेटली इंडियन प्राइस में 40,500 रुपीज जो आ रहा है, जो चाइनीज प्राइस में 3799 युआन है। साथ ही साथ में अगर आप बात करें अपर वेरियंट की, तो यहाँ पे 256GB का वेरिएंट जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 45,800 जो है आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ में वहीं पे प्रो वर्जन की बात करें तो प्रो वर्जन में आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा 12GB और 256GB, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो आ रहा है 45,800 रुपीज। और अगर आप बात करें स्पेसिफिकेशन की, दोनों फोन में आपको 65W का चार्जर मिलेगा, 765G का आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा। मेजर डिफरेंस है वो है कैमरा मॉड्यूल में। जी हां, यहां पे जो प्रो वर्जन है उसमें आपको 48 का प्राइमरी कैमरा, 30 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का बाकी दो कैमरा जो है वो मिलने वाला है। वहीं पे जो नॉर्मल वर्जन है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का बाकी दो कैमरा जो है वो मिलने वाला है। अब मजेदार बात यह है कि आपको जो नॉर्मल वर्जन है उसमें आपको 32+2 डुअल पंच होल कैमरा मिलने वाला है, वहीं पे प्रो वर्जन में आपको सिंगल पंच होल में 32 मेगापिक्सल के कैमरा जो है मिलने वाला है। नॉर्मल वेरिएंट की बैटरी जो है 4020mAh की है, वहीं पे प्रो वर्जन में 4000mAh की बैटरी जो है हम लोगों को दिखने वाली है। अभी इंडिया में आएगा तो कब आएगा और कितने प्राइस में आएगा, कौन से प्रोसेसर से आएगा, ये हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा फ्यूचर के एपिसोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अपना आखिरी न्यूज आ रहा है जो रियलमी की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे रियलमी का आज रियलमी वॉच जो है उसका आज फर्स्ट फ्लैश सेल था। जी हाँ, यहाँ पे कुछ ही मिनट के अंदर 15,000 से ज्यादा जो है स्मार्ट वॉच जो है आज बिक चुका है। 9 जून को सेकंड डे ऑफ सेल जो है यहाँ पे रखा गया है 12 बजे।
आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने उसमें ऑर्डर दिया कि नहीं दिया है। चलिए दोस्तों इसी बात पे खत्म करेंगे आज का डेली टेक का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए इस स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो दिख रहा है उसको देखने मत भूलिएगा, इसमें आपको ऑसम से जानकारी मिलने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।